मध्य प्रदेश में जनवरी में हुए नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुने गए हैं। दार जिले के कुक्षी नगर परिषद में शनिवार को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए। नगर परिषद में अध्यक्ष भाजपा की रेलम चौहान बनी, जबकि कांग्रेस से उपाध्यक्ष शब्बीर शेख बने हैं। बीजेपी ने विजयश्री रेलम चौहान का नगर में आतिशबाजी के साथ जुलूस निकाला और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कुक्षी नगर परिषद में शनिवार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन में दिलचस्प घमासान देखने को मिला। जहां कांग्रेस के पास 8 निर्वाचित पार्षद थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 7 निर्वाचित पार्षद थे। इस लिहाज से नगर परिषद कुक्षी पर कांग्रेस का कब्जा माना जा रहा था, लेकिन अध्यक्ष के निर्वाचित होने की घोषणा लगभग दोपहर के 1:30 बजे होनी थी, लेकिन मतपत्रों की समीक्षा के दौरान कांग्रेस का एक मत रिजेक्ट पाया गया, जिसके बाद निर्वाचन टाई होकर पर्ची सिस्टम से अध्यक्ष पद के भाग्य का फैसला हुआ। इसमें भाजपा की रेलम चौहान ने विजयश्री प्राप्त की, वहीं उपाध्यक्ष के निर्वाचन में कांग्रेस के शब्बीर शेख 8 मतों के साथ उपाध्यक्ष के लिए निर्वाचित हुए। बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का नगर में जुलूस निकाला और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ पुष्प वर्षा और माला पहनाकर स्वागत किया। दरअसल कुक्षी विधानसभा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले पंचायत, जिला पंचायत और नगर परिषद में सभी चुनाव में बीजेपी के कुशल नेतृत्व में सभी जगह अपना परचम लहराया, जिसमें प्रदेश भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल की अहम भूमिका रही। युवा चेहरा होने के साथ साथ भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल ने कुक्षी विधानसभा में युवाओं एवं क्षेत्र की जनता के बीच अपनी खासी पैठ जमा रखी है। 2023 विधानसभा चुनाव में कुक्षी में भाजपा के लिए संजीवनी साबित होगी। देवेंद्र पाटीदार, भाजपा मंडल अध्यक्ष निसरपुर। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जो उम्मीदवार थे हमारी बहन रेलम दीदी, उनको यहाँ पर जीत के मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल निसरपुर की ओर से बधाई देना चाहता हूँ। और ये जीत भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, ये उसी को निरंतर आगे बढ़ाते हुए और आज ये जीत हुई है, ये विकास की जीत हुई है। मैं पुनः रेलम दीदी को बधाई देता हूँ और कुक्षी की जनता को भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। खुशी कर्म पर आधारित होती है। बहन रेलम जी चौहान का कुक्षी नगर पंचायत अध्यक्ष बनना जन भावनाओं का प्रतिबिंब है और भाजपा कार्यकर्ताओं का समर्पण और निष्ठा है। निश्चित हमें एक सीट कम हो गई थी हमारे पास, किंतु हमारा आत्मबल इतना मजबूत था कि इस नगर को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो इस नगर के रुके हुए विकास को और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी को सम्मान दे सके। बहुत बढ़िया, गुण हमारी बहन में है। मैं कुक्षी की जनता का, भाजपा के कार्यकर्ताओं का और समस्त पार्षद साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आगे बढ़कर कुक्षी को एक सशक्त नेतृत्व देने की भूमिका का निर्वहन किया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या इस जीत को 2023 विधानसभा के लिए फाइनल माना जाए? ये भाजपा की कुक्षी विधानसभा में बढ़ती हुई लोकप्रियता, हम दही जीते, हम कुक्षी जीते, तीनों जनपदे हम जीते, जिला पंचायत हम जीते, आने वाले विधानसभा चुनाव में कुक्षी करवट लेगा और भाजपा का परचम लहराएगा, ऐसा हमें विश्वास है। कुक्षी से उपेंद्र कुमावत की रिपोर्ट।